अस्सलाम वालेकुम। ये छोटे से बीज कमाल की चीज़ है, ये सुपर फूड क्यों है भाई? इनके अंदर आपकी हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। फिर आपके दिल को मजबूत करने के लिए इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये चंद चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ये बड़ा सोर्स है। उसके अंदर एक ये चिया सीड है जनाब, मैं चिया सीड की बात कर रहा हूँ। फिर ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं। कौन कौन से? क्लोरोजेनिक एसिड, कैफिक एसिड, कैम्फरल, क्यूरेसिटन, ये सारे क्या करते हैं? एक तो ये कैंसर से बचाते हैं, जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं या ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं उनको ख़त्म करते हैं। उसके अलावा फिर ये शुगर लेवल को नीचे लेके आते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस में बहुत ज़बरदस्त है। ये आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए चिया सीड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये पानी इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि कब्ज़ ही नहीं होने देते। चार चीज़ें ऐसी हैं पौधों से जो निकलती हैं जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है, वो कौन कौन सी हैं? चिया, कीनवा, एमरंथ और बकवीट। तो जनाब ये सारी की सारी मेरी रिसर्च है। अब जो ही मौसम बदल रहा है लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि गर्मियों के अंदर तो ये भाई शरबत पीते थे, ठंडे मिजाज का चिया सीड है, अब सर्दियों में क्या करेंगे? तो जनाब सर्दियां आ रही हैं तो चिया सीड लें, सिर्फ 2 चम्मच तो इसकी खुराक है। उसको कुछ भी ना करें, ऐसा सच फांक लें, ऊपर से पानी पी लें, अंदर जाके खुद ही फूलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको खाने के लिए बेहतर करना है, इसलिए आप इसको भिगो लेते हैं, ये फूल जाता है। और फिर आप इसको दही में डाल के, दूध में डाल के, किसी ड्रिंक में, किसी चीज़ में, किसी खाने के ऊपर डाल के, किसी डिज़र्ट के ऊपर डाल के, चावलों के ऊपर डाल के, दलिये के ऊपर डाल के आप खा सकते हो। गर्म, सर्द, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सर्दियों का नुस्खा है। गर्म दूध के अंदर चिया के 2 चाय के चम्मच डालने, सिर्फ आधे घंटे में ये नरम हो जाएगा, पी लेगा। अगर उसमें हल्दी भी डाल दे तो ऐसा गोल्डन सिरप बनता है जो कि वज़न कम करने के लिए, दांत और हड्डियां मजबूत करने के लिए, दिल मजबूत करने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए, जिस्म में दर्दें ख़त्म करने के लिए चिया सीड बेहतरीन है। तो भाई चिया सीड को चिया ही कह लें। मैं एज एग्री साइंटिस्ट मोरिंगा किनवा के बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में मैंने लेके आया वो चिया सीड है। मैंने तो इसका कोई उर्दू नाम नहीं रखा। बासल सीड कुछ और चीज़ है, तुख्मे रेहान कुछ और चीज़ है, तुख्मे दाऊदी कुछ और चीज़ है, तुख्मे बालिगो कुछ और चीज़ है। उसको चिया सीड के साथ हरगिज़ ना मिलाएं। चिया इस्तेमाल करें, बीमारियों से बचें, मोटापे से बचें, शुगर को कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और अपनी हड्डियाँ और दिल को मजबूत करें चिया सीड से। खुश रहें, बाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।